अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ अबाउट सर्कुलर निटिंग मशीन टेक्निकल कोर्स। और मैं स्टार्ट में बताता चलूँ कि ये कोर्स उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं या जिनको टेक्निकल मशीन्स का टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ये कोर्स डेफिनेटली नोमाटी सर्कुलर निटिंग मशीन से ही लिया गया और उनकी ही बुक्स वगैरह को स्टडी करके ये एक जो है वो सीरीज स्टार्ट की गई है। तो इसमें जो है वो मैं आपको मशीन की जो है वो डिफरेंट पार्ट्स की स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बताऊंगा, और जिन लोगों को इन सब चीज़ों का पता होगा वो डेफिनेटली वीडियोज़ को बेशक ना देखें, और जिनको नहीं पता वो ज़रूर वॉच करें, उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। एंड These type of videos are not available on any social media platform. So, let's start the video. ये कोर्स का ओवरव्यू है जिसमें मैं आपको जनरल मशीन मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा, मशीन की क्लीनिंग कैसे करते हैं, मशीन गेज एंड नीडल थिकनेस क्या होती है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, सिलेंडर डिवीजन क्या है, फॉर एग्जांपल सिलेंडर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट फ्लैट पार्ट्स को इंसर्ट कैसे करते हैं, और एट द एंड बट नॉट द लीस्ट मशीन पार्ट्स स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें कैंस की स्टैंडर्डाइजेशन है, सिंकर कैप की स्टैंडर्डाइजेशन है, और डायल मोटर ईच एंड एवरीथिंग की स्टैंडर्डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ गेजेस, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो वेरी मच। सो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जिन लोगों को इन चीज़ों का पता है उनके लिए तो ये वीडियो बेमकसद है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त जिनको नहीं पता और जिनको ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है मार्केट में, वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। सो जनरल मेंटेनेंस में क्या होता है, इसमें क्यों की जाती है, मशीन को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए हमें जनरल मेंटेनेंस की ज़रूरत रहती है, और इसमें जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नीडल्स के रिलेटेड है कि आपने नीडल की इंस्पेक्शन कैसे करनी है, और नीडल वेयर एंड टेयर जो है वो मशीन की स्पीड मीन्स RPM पर डिपेंड करता है, यार्न थिकनेस आप कौन सा यार्न यूज़ कर रहे हैं, और टाइप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ वर्क मीन कि आप जो है वो कैरी सॉक्स नीट कर रहे हैं, फ्लैट नीट कर रहे हैं, और जो लुब्रिकेंट्स यूज कर रहे हैं आप। लुब्रिकेंट्स अगर थर्ड क्वालिटी के होंगे तो डेफिनेटली आपके पार्ट्स की वेयर एंड टेयर जो है वो ज्यादा होगी। अगर यार्न रफ होगा जैसे RG यार्न, रिजनरेटेड कॉटन या हैवी यार्न यूज करेंगे तो आपके पार्ट्स की वेयर एंड टेयर ज्यादा होगी। इसी तरह RPM अगर एज पर आर्टिकल बहुत ज्यादा RPM हाई होंगे तो हमारी ब्रेकेज एंड वेयर एंड टेयर ऑफ नीडल्स will increase. So, इसकी visual inspection के लिए you can check after every 1500 hours of work. अगर आपने इसकी inspection करना चाहते हैं तो हर 1500 घंटे के बाद आप इसको बाहर देख सकते हैं आया कि कोई चीज इसमें खराब तो नहीं है, और जो recommended replacement है इनकी वो है 12,000 hours of work. Almost ये 6 months जो है वो बनते हैं जिनमें आपको इनको हर हाल में रिप्लेस कर देना चाहिए, अदरवाइज आपका बी ग्रेड ज्यादा बनेगा, आपके होल्स आएंगे और बहुत सारे दूसरे इश्यूज क्रिएट होंगे आपके प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट है सिंकर। सिंकर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मशीन। सेम सिंकर्स का भी यही है कि ये डिपेंड करता है इसकी वेयर एंड टेयर जो है वो ऑपरेटिंग स्पीड के ऊपर, यार्न यूज्ड के ऊपर, टाइप ऑफ वर्क एंड लुब्रिकेंट्स यूज्ड। सो इसकी विजुअल इंस्पेक्शन के लिए हमें जो है वो हर 1000 घंटे बाद इसको चेक करना चाहिए, और इन दो सूरतों में जो नीचे बताई गई है इनको रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर तो हम टेरी सॉक्स नीट कर रहे हैं तो आफ्टर 8000 आवर्स ऑफ वर्क हमें इनको रिप्लेस कर देना चाहिए, नए सिंकर्स डाल देने चाहिए एज पर लोनाटी रिकमेंडेशन। लेकिन मोस्टली क्या होता है, हम उसकी विजुअल इंस्पेक्शन पर ही बेस करते हैं, अगर वो ठीक चल रहे हो तो हम उनको चलाते रहते हैं, लेकिन एज पर लोनाटी रिकमेंडेशन दिस शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर
8,000 hours of work while we are using Terry sinker caps or Terry socks. And when we are using plain socks, then we should replace these sinkers after 12,000 hours of work. So this is recommendation. Next है intermediate jacks. Intermediate jacks को हम medium jacks भी कहते हैं and selectors. ये definitely needles के नीचे जो है वो down side पे intermediate jacks होते हैं, ये medium jacks होते हैं और सबसे नीचे pattern jacks होते हैं या selectors होते हैं जो के movement करके needles की movement को up and down करते हैं. सेम टाइप इस इनकी वेयर एंड टियर भी होती है और इनकी विजुअल इंस्पेक्शन जो है वो करनी चाहिए हमें आफ्टर 3,000 आवर्स ऑफ वर्क और 26,000 आवर्स ऑफ वर्क के बाद इनको रिप्लेस कर देना चाहिए. लेकिन इसमें 26,000 आवर्स ऑफ वर्क रिप्लेसमेंट है कि जब हम लोनाटी रिकमेंडेड सिंकर्स जैक्स नीडल्स यूज करेंगे. अगर हम लोकल मार्केट से यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो 26,000 आवर्स ऑफ वर्क नहीं चलेंगे, उनकी लाइफ कम होगी. ड्यूरिंग विजुअल इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ नीडल्स सिंकर्स जैक्स एंड सिलेक्टर्स चेक द डिग्री ऑफ वियर ऑफ द कंट्रोल कैम्स एंड पॉलिश. सो जब हम नीडल्स सिंकर्स और सिलेक्टर्स को चेक कर रहे हूँ तो हमें कैंस की पॉलिश और उनकी वेयर एंड टियर को भी देखना चाहिए. उनके जो प्रोफाइल्स हैं वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं, कहीं पे वो कहीं ज़्यादा वेयर तो नहीं हो गई, उनकी पॉलिश तो नहीं उतर गई. इससे क्या होगा, कैंस मूवमेंट से हमारी जो नीडल्स जो हैं वो मूवमेंट नीडल्स को पाथ देती हैं कैंस, तो उससे क्या होगा अगर उनकी वेयर एंड टियर हो जाएगी तो हमारे जो है वो ब्रेक के चांसेस बढ़ जाते हैं, फर्दर ब्रेकेजेस आती हैं, नीडल ब्रेक होते हैं, एट द एंड जो लॉस होता है. सो जरूरी यह है कि हम उसको जो है वो हर वक्फे वक्फे से चेक करते रहें और जैसे ही हम नीडल्स और सिलेक्टर्स को देखें तो साथ कैंस को भी चेक कर लें. इनकी जो है वो चेक करने का जो है वो रिप्लेस करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है. जब ये प्रॉब्लमेटिक हों, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें तो इनको रिप्लेस कर लें, या आपको पहले ही नजर आ जाए कि यह कैम ठीक नहीं है तो उसको रिप्लेस कर लें या इनकी गेजेस वगैरह चेक करते रहें. सो इट्स ऑल अबाउट दी फर्स्ट लेक्चर विच इज अबाउट जनरल मशीन मेंटेनेंस एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.